हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मानंद एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं किसकी। जहां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सीबीएसई सीनियर एंड जूनियर असिस्टेंट्स कट ऑफ एंड इसकी जो आंसर की रिलीज कर दी गई है, तो उसमें क्या कोई मिस्टेक्स है। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या हमारे आंसर की में मिस्टेक्स है, क्योंकि हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, और क्या इतने में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर वेट करना होगा, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हर एक चीज को जानेंगे देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट रहेगी क्या कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेगी। एंड फ्रेंड, आपको वीडियो आती है पसंद तो उसको लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपकी हर एक चीज को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या आपके आंसर की फिर से आएगी, दोबारा से आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दें, आप इन अफवाहों से बिल्कुल सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी आंसर की एक बार आ गई है, दूसरी बार बिल्कुल नहीं आने वाली। और जो ऐसा बोल रहा है कि हाँ आपके आंसर की संशोधित होके आएगी, इसमें मिस्टेक से जो है वो है, तो दोस्तों बिल्कुल फेंक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्वर एरर की प्रॉब्लम आ रही थी, ना कि आपकी आंसर की में कोई मिस्टेक से, आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ओपन नहीं हो रही थी आपकी आंसर की, तो उसका एक ही रीजन था कि मिस्टेक्स आ रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। ऐसा नहीं था कि आपकी जो आंसर की है वो इसलिए हाइड हो गई थी, छुप गई थी, इसलिए ओपन नहीं हो रही थी कि क्योंकि उसमें मिस्टेक्स है। मतलब कहने का कि आपके क्वेश्चन गलत है इसलिए आपकी आंसर की हाइड हो गई थी, उसका रीजन एक एंड ओनली था क्या, टेक्निकल इशू। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि सर हमारे आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपकी आंसर की दोबारा से नहीं आने वाली, एक बार आ गई मतलब आ गई। अब चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके मार्क्स कितने हैं, कि आप सेफ जोन में चल रहे हैं। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं सीनियर असिस्टेंट्स का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें आपके यदि मार्क्स यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं कितने। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं करीबन 130 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों, आप ला रहे हैं 140 के बीच। यदि आपका इतने स्कोर है तो यू आर सेव 100%। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने मार्क्स हैं आपके तो आप सेव हैं, क्योंकि कैंडिडेट इतने मार्क्स लाने में पसीने छूट गए। जीके का लेवल बहुत हाई था दोस्तों, आपका पेपर इजी बिल्कुल नहीं कह सकते, आपका पेपर मॉडरेट टू टफ था। और यदि आपका स्कोर इतना आ रहा है दोस्तों, 50% से अबव है, आप यू आर से हैं, तो आपका सिलेक्शन डन होने वाला है, 100% गारंटी है ना। चलिए देख लेते हैं अगली, जो कि है EWS कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपकी किसकी, EWS कैटेगरी, जो कि नई नई है, अभी लास्ट ईयर तक ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं और आपके CBSE सीनियर असिस्टेंट्स में मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ 200 में से आप मार्क्स ला रहे हैं दोस्तों कितने, 125 से लेकर आपके कितने, 130 के बीच। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका इतने स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दें, अभी से टाइपिंग की तैयारी करने लगें, क्योंकि वो भी बेहद डिफिकल्ट है, उसमें भी बहुत से कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड होंगे। इसलिए दोस्तों, यदि आपका इतने स्कोर है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर तैयारी कीजिए नेक्स्ट लेवल की। फैसला तो हुआ किसका, EWS का। अब हम बात करते हैं किसकी, आपके OBC SC और ST कैटेगरी की। तो चलिए फैसला बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं किसकी, आपकी OBC कैटेगरी की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो दोस्तों यदि आप सीनियर असिस्टेंट CBSE से मार्क्स गेन कर रहे हैं OBC कैटेगरी से कितने। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं करीबन आपके 120 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों, आप मार्क्स ला रहे हैं करीबन 125 के बीच। क्योंकि दोस्तों आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, इसलिए आप टेंशन लेना छोड़ दें, आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, आपके नंबर एक दो इंक्रीज हो जाएंगे, आप अभी टेंशन बिल्कुल ना लें। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो विश्वास रखिए आपका सिलेक्शन डन है, आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आपकी टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत से कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा ले लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ किसका, आपके OBC का। यदि आपका मार्क्स आ रहा है 120 से लेकर 125 के समथिंग,
तो आपका सिलेक्शन डन है, आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट जो कि है आपकी एससी और एसटी कैटेगरी। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं किसकी, जी हाँ दोस्तों आपकी एससी कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप सीनियर असिस्टेंट पोस्ट से आपके सीबीएसई में मार्क्स लेके आ रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों आप लेकर आए हैं करीबन आपके मार्क्स होना चाहिए यहाँ पर 105 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों 110 के बीच। यदि इतना स्कोर है तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन भी डन है, क्योंकि दोस्तों इतने नंबर लाने में भी लोगों के पसीने छूट गए पसीने। आपने देखा होगा कमेंट्स बॉक्स में कि कमेंट्स में किसी के 55 हैं, किसी के 56 हैं, किसी के यहाँ पर 100 के ऊपर दोस्तों बहुत ही कम परसेंटेज है जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाया है, नहीं तो 100 के नीचे 75% ऐसे लोग हैं जो 100 के नीचे हैं तो वैसे ही वो डिसक्वालीफाइड हो गए, 50% नहीं है। नहीं तो दोस्तों आपका यहाँ पर आप देखेंगे करीबन 25% के समथिंग ही स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके कवर कर रहे हैं, 100 के ऊपर जा रहे हैं, वरना आपको नीचे ही नीचे देखने को मिल रहे हैं 76, 77, 87, 88, 90 ऐसे करके, है ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स ला रहे हैं आप कितने 105 से लेकर 110 के बीच, तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन भी कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है तो थोड़ा बहुत मार्क्स आपका उसमें इंक्रीज होने वाला है, ये भी डन है। तो आपका इतना स्कोर है और आप एससी से हैं तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट लेवल में आपको पता होगा आपकी टाइपिंग मांगी है यहाँ पर 40 वर्ड्स प्रति मिनट या पर मिनट, यदि आप वो निकाल लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत खतरा है, यहाँ पर भी बहुत से कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड करने वाले हैं, क्योंकि टाइपिंग निकालना भी इजी बात नहीं है, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं अगली कैटेगरी जो कि है एस टी कैटेगरी। हाँ जी फ्रेंड्स आप आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात कर लेते हैं किसकी, एस टी कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप सीबीएसई जो आपके सीनियर असिस्टेंट से मैं आपके एस टी कैटेगरी से मार्क्स ला रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों यदि आप मार्क्स ला रहे हैं करीबन आपके 103 मार्क्स से लेकर आपके 108 मार्क्स के बीच, जी हाँ दोस्तों यदि आपका इतना स्कोर है तो आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर डन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इतना मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कोई एसटी कैटेगरी के बंदे को देख लेना, कमेंट्स को देख लेना दोस्तों, बहुत से कमेंट्स आपको 55, 56, 57, 100 के नीचे हैं, और खासकर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी में तो और भी ज़्यादा, यहाँ पर कोई 100 के ऊपर पार बहुत ही मिनिमम चांस है कि कोई कर पाया है, जी हाँ दोस्तों बहुत कम कैंडिडेट हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इतने मार्क्स हैं तो आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको बिलीव ना हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और आप टाइपिंग की तैयारी ना करें और आपको बाद में पछताना पड़े। तो दोस्तों ऐसी मूर्खता ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आप टाइपिंग की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 से 5 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं ना, आपके 2 से 5 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, आप यहाँ पर 103 से 108 के बीच अभी ला रहे हैं तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे आराम से आपके 15 के समथिंग पहुँच जाएंगे मार्क्स, और इतने में आपका सिलेक्शन डन है, इतने भी इनफ हैं, बट आपको बता रहा हूँ कि इतने तो इंक्रीज होने वाले हैं, आपके 2 से 3 नंबर बड़े आराम से इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि सर मेरा इतने में नहीं होगा, आपका होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्या कि आपने कितना कितना गेन किया है आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, जी हाँ दोस्तों जी आप किससे बिलोंग करते हैं, एसआर से या फिर आपके जेआर से, आप जिससे भी हैं जूनियर या सीनियर, आपको आपके कमेंट्स करना है मार्क्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ताकि मैं भी एक एनालिसिस कर सकूं, देन इसके बाद आप लोगों की डिमांड रही तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकता है कट ऑफ वो मैं बता दूंगा, कितने इंक्रीज हो जाते हैं किस किस कैटेगरी के और किस किस के कैसे, है ना फ्रेंड्स। यह सारी बातें थी जो मैंने आपके समक्ष रखी, यदि वीडियो आई हो पसंद तो इसको लाइक और अवश्य शेयर करें, जी हाँ फ्रेंड्स। और आप लोगों की डिमांड आ रही है क्या कि सर जूनियर असिस्टेंट्स का कट ऑफ भी बताइए, तो फ्रेंड्स आपको बता दें आप थोड़ा वेट करें, मेरे पास अभी टाइम नहीं था, बट आप लोगों के लिए मैं वो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, और हाँ जी फ्रेंड्स एक बात मैं भूल गया था आपको बताना जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्या कि दोस्तों ये मत सोचना कि आपके 50 आ रहे हैं तो आप 50 में सिलेक्ट हो जाएंगे,
ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि यदि आपके 50 55 60 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 50 55 में कैसे होगा, आप दिमाग लगाइए। जब आपको बोला है कि 50% तो ला नहीं लाना है, अब दोस्तों जब आप 200 का 50% निकालेंगे तो कितने मार्क्स आ रहे हैं आप अंदाज लगाएं। आप 200 में से 100 लाएंगे तभी तो आपके 50% होंगे ना। यदि आप 50% भी ला रहे हो मार्क्स, फिर भी आपको 100 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा 100। और जब आप 100 से भी नीचे ला रहे हो, 50 है, 55 है, 60 है, 70 है, 76 है, 80 है, 90 है, तो ये तो 50% भी नहीं हो रहा है। 200 का 50% कितना होता है? 100 होता है। तो दोस्तों आपके 100 के ऊपर तो आपको मार्क्स लेकर आना ही आना रहेगा। इसलिए आपके इतने से कम मार्क्स हैं तो आप बेझिझक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आपके किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, इसमें टाइम बर्बाद बिल्कुल ना करें। अभी बुरा लगेगा लेकिन दोस्तों यह हकीकत है ना। इसलिए आप भ्रमित बिल्कुल ना हो, 100 से कम मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पर बुरी की कोई बात नहीं है दोस्तों, बुरी लगेगी मेरे को पता है, लेकिन फिर आपके 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जब आपके 50% ही मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स बस यही अलर्ट करने आया था, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।